सतरंगी रोशनी से गुजराती समाज के पूजा पंडाल में नवरात्र सप्तमी पर गरबा रास का शानदार नजारा दिखाई दिया। रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी गुजराती समाज की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने उमंग और जोशीले अंदाज में डांडिया खेला। इस दौरान यहां की सतरंगी छटा देखते ही बन रही थी। गुजरात से चलकर बालाघाट पहुंचे गुजराती समाज के द्वारा प्रतिवर्ष अपनी संस्कृति और सभ्यता को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करते हुए गरबा महोत्सव को खास बनाया जाता है, जिसका नज़ारा बीते दिनों यहां पर आयोजित गरबा रासलीला में दिखाई दिया, जहां सभी गुजराती समाज के लोग कृष्ण और राधा की वेशभूषा में सुमधुर संगीत की धुन पर रास करते रहे। देर रात्रि तक चले इस गरबा नृत्य में बच्चों ने भी खूब रासलीला की, जहाँ उनके गरबा नृत्य को देखने भारी संख्या में ग्रामीण अंचलों से पहुँचे लोग मौजूद रहे।
गरबा महोत्सव में आकर्षक वेशभूषा के लिए प्रतिभागियों को समाज की ओर से गिफ्ट प्रदान कर पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही उनके हौसला अफजाई के लिए समाज की ओर से उनका अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान गरबा नृत्य में शामिल महिलाएं मोर पंख से पगड़ी सजाकर पहुंचे, तो वही कुछ महिलाएं राधा और कृष्ण की वेशभूषा में आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। गरबा महोत्सव रात्रि में करीब 12 बजे तक चला। इसके बाद सामूहिक आरती का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी सुशील ठाकुर, उमेश जायसवाल और मंगलानी के द्वारा सपरिवार माता रानी की आरती उतारी गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर गुजराती समाज के लोग भी शामिल रहे, जहां उन्होंने माता रानी के प्रति अपनी अकाट्य आस्था और भक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसे तो हमारे गुजराती समाज का ये बहुत ही अच्छा एक नवरात्रि का उत्सव हम मनाते हैं। और दूसरी बात, अपन ने पुराणों में सुना है कि राधा कृष्ण ने भी रास खेला था, तो आज हमने यहाँ पर वही कंस्ट्रक्ट चुन के सभी को रास खिलाया है। और सभी हमारी महिला मंडल की बहनें कृष्ण और राधा के रूप में आई हैं और सभी ने बहुत अच्छा रास किया है। यहाँ पर हम हर दिन प्रतिदिन कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और सभी बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को प्रोत्साहित करते हैं। और इस तरह हम 9 दिन बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। 9 दिन तक के गरबा होता है, इसमें कौन कौन से गरबे की स्टेप होती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बताइए। 9 दिन जो गरबा होता है, उसमें 2 ताली होती है, उसमें पंचिया होता है, उसमें 3 ताली होती है और उसमें जोड़ी जोड़ी भी रास लिया जाता है। और इसी तरह से सभी अलग अलग स्टेप में गरबा खेलते हैं। अन्य समाज के द्वारा भी गरबे का आयोजन होता है, लेकिन गुजराती समाज के द्वारा जो गरबा किया जाता है उसका अलग ही महत्व रहता है। क्या खास रहता है गुजराती समाज का जो गरबा होता है, उसकी क्या खासियत रहती है? हमारे समाज में हमारी ये संस्कृति है, हम वर्षों से, यानी हमें याद भी नहीं है तब से हम लोग एक माता की स्थापना करते हैं और प्रेम भाव से माता जी के जस बोलो या गरबा बोलो, हम माता जी का ही नाम लेते हैं। और बाकी समाज में, बाकी अदर समाज में क्या हो गया है, आज कुछ भी स्टेज में खेलते रहते हैं, पिक्चरों के गाने लगाते हैं, यानी कोई भी किसी भी तरह से उसका मतलब करते हैं गरबा, तो ये संस्कृति से लगता हुआ नहीं है। इसका मेन उद्देश्य यही है हमारा कि माता 9 दिन माता जी की भक्ति पूजा कर और उसकी खुशी में हम झूम झूम के गरबा लेते हैं और झूम झूम के गीत गाते हैं, माता जी का ही गीत गाते हैं हम लोग और उसी का आराधना करते हैं।
गुजराती गरबे की क्या खासियत रहती है? गुजराती गरबा माता जी का जस ही है जो एक प्रदक्षिणा लेते हुए करते और एक परंपरा है जो बिना चप्पल के और एक राउंड में होके गुजराती समाज गरबा लेती है। माता जी के जस के बराबर है ये, इसीलिए और आज सप्तमी का दिन है तो हम आज में राधा रानी के रूप में माँ को बुलाया है तो हर एक को वेश निकालना है। सप्तमी का खास ये ऐसा रोज अलग अलग ऐसा दिन डिसाइड रहते हैं कि हर दिन एक दिन हरे में आना, एक दिन पीले में आना, एक दिन ब्लैक में आना, ये ऐसा क्या है, ये इसके पीछे क्या महत्व होता है? हम इसका बोर्ड बताते हैं सबको कि आज ये कलर पहन के आना है, रोज के अलग अलग कलर माता रानी के जो कलर दिन के रहते हैं, रविवार के व्हाइट, सोमवार का क्रीम कलर, मंगलवार का रेड कलर, ऐसे करके सबको बुलाते हैं, वेशभूषा में सब आते हैं और आज का सप्तमी है इसलिए हमने सबको राधा रानी की वेशभूषा बनाया।